会心的인드리에게지하는지인때는말과는경제말룩한이관은나말과를미리에빛나기시는밀려하나의가숙진단결과입니다진단결과는욕해스마트폰이죠심산품이아니에말아간나도록असी इतने एक दिन आना है गिन्नी देव का ज्ञान मंदिर चांद खड़ी पास आज का संस्कार भी 5 मिनट के रवि जी का करते हैं शास्त्र कहते हैं 45 मिनट लग दे या जब तक सीता पटाका ना मोड़ जावे तब तक संस्कार पूरा होनिया नहीं करता पर टाइम में सोके लगाओ कि मतलब हर चीज का प्रमाण है अग्गे की ਦਾ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਗਊ ਦਾ ਗੋਬਰ ਲਾਓ ਪਿੱਤਰੀ ਨੂੰ ਲੇਪ ਕਰੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਟਾ ਦਿਓ ਬੇਟਾ ਸੱਜਾ ਗੋਟਾ ਦੇਵੇ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ ਬੇਟਾ ਦਾ ਖਾਲ ਮੰਗਿਆ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਪਕ ਦਾ ਖਾਵੇ ਕਿ ਅੰਤ ਮਾਤੀ ਸੋਕ ਦੀਪਕ ਦੀ ਦੀਪਕ ਇਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਨਵੀ ਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਟਾਇਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਮੱਪਲ ਕੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਆਈ ਪੂਰਬੋਂ ਹੋਣੀ ਸਾਗਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਆਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੀ ਅਰੇ ਹੋਣੀ ਛੱਡੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰੰਗ ਜਾਲੋ ਬੰਦਾ ਮੁਕਦਾ ਮਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਕਾਇਆ ਮਾਟੀ ਹੋ ਗਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਗਈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਲੈ ਲੋ ਲੈ ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ੋਰ ਵਚ ਸੁਨਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਸ
तुम जहां चाहो उधर जाऊंगा। आज तो कुछ दिन पहला साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री लाल चंद जी शारदा सानू सलीबी विछोड़ा दे गए। जिंदगी और मौत जिहड़ी है ये प्रभु दे हाथ विच है। हुणे पंडित जी ने गरोड़ां दा भोग पाया दस्सिया उहदे विच और महात्मा गंगदास भी दस भाई खोसला जी पातशाह श्री ज्ञान चंद सोढी जी निर्मल सिंह निम्मा जी सलील बारी जी बबी चड्ढा जी भैन रीटा शर्मा जी अवतार सिंह जी और साढ़े विच टांडा रोड गौशाला तो इंडस्ट्रियल दशहरा कमेटी नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी उन्होंने प्रधान सुखविंदर कालिया जी ज्वाइंट एक्शन कमेटी तो सरदार गुरशरण सिंह जी ओम प्रकाश जी मनदीप नंदा जी लाल चंद जी की रस क्रिया के एकत्र हुए मेरे बजुर्गो बताओ भैनों भराओ परिवार के लिए बहुत ही दुख की कड़ी है। आम ही कहा जाता है सारी दुनिया जानती है जो इंसान आता दुनिया तक जाना है पर जो इंसान जानते जो खिलाफ पैदा होता है जो वैक्यूम है यह जहाँ इंसान दुनिया तो जाता है वो नाल जो शारदा परिवार को कालिया परिवार को घाट पही है पनाह पूरी पाने वाली घाट है। इस परिवार ने समाज के अपना ना पैदा किया दोहां परिवारों ने क्योंकि साड़ी माता जी कालिया परिवार चो आए और शारदा परिवार के आके शारदा परिवार का जिते ना पैदा किया। गगन समीरा और पंच तत्व यह अगम शरीरा
पांच तत्वों में से एक तत्व भी काम करना बंद कर दे तो शरीर नहीं चल सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान जी ने ये भी बता दिया कि न जायते मृत्ये वा कदायन है, पुनः आत्मा की अमरता की पुष्टि करते हुए भगवान ने पुनः भगवान जी ने कहा कि न जायते मृत्ये वा कदायन नायं भूत्वा भवितावान भूयम्। जिसकी मृत्यु हो जाती है उसका जन्म निश्चित है, और जिसका जन्म होता है जातस्य ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। एक इसी विषय में एक प्रसंग किसी संत ने बताया था, सुनाया था कि बड़े ध्यान से सुनने की बात है। उन्होंने संत ने बताया कि मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु के साथ साथ स्थान भी निश्चित है, किस जगह मृत्यु होनी है, क्योंकि इसकी मृत्यु न हुई हो तो धीरज तत्र न मुह्यति, इसीलिए हम चुप होकर के बैठ जाते हैं कि ये बुद्धिमान व्यक्ति वहां शांत हो जाता है। तो उन्होंने संत ने बताया एक कि स्थान भी निश्चित है, फिर उसके बाद समय भी निश्चित है, इससे बचा नहीं जा सकता, संत मानना पड़ेगा, अब तो जाना पड़ेगा। और संत के पैर पकड़ लिए जाए बोले भगत, इस संसार में जो आता है उसे जाना होता है, लेकिन निषाद राज ने पैर पकड़ लिए संत का। संत ने कहा अरे बोले भगत, बड़ा समझाया पर उसकी जिद के आगे हार गए। जब हार गए पूछा आप किसके कौन है, बोले मैं व्यास जी का नाना हूं, और व्यास जी मेरे गौरित है। व्यास जी तो ने कहा व्यास जी की तो सीधे भगवान से बात होती है, व्यास जी तो स्वयं भगवान का रूप है, आप व्यास जी के है नाना है। जगने लगे, आंखों में रोशनी कम हो रही, ये सब लक्षण बढ़ने के हैं, मृत्यु की ओर बढ़ने के लक्षण हैं। अब कहने लगे मैं मरना नहीं चाहता, व्यास जी के पास गए, व्यास जी के पास गए, व्यास जी से बोले मैं मरना नहीं चाहता, सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। व्यास जी ने बड़ा समझाया, 18 पुराणों की रचना की, एक एक पुराण की व्याख्या निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मा की भी आयु है, ब्रह्मा का भी जन्म हुआ है, जिसका जन्म होता है वो नष्ट होता है, जिसका जन्म नहीं होता वो नष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी भी भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। धर्मराज कहते हैं तब मैं मृत्यु को आदेश करता हूँ। आपको तो धर्मराज के आवासा कृष्णा रामली कह गए दास कबीर, क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन माज तारे आखिर माटी में मिल जाना, माटी ओढ़न पाटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी ओढ़न माटी पहिरन माटी का सिरहाना, माटी का तलभूत बनाया जामे भवरे समाना, क्या तन मांगता रे आखिर माटी में मिल जाना। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो ही क्या तन मांगता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांगता रे
शास्त्रों में समय समय पर हमें संतों ने कहा है, मृत्यु के मुख में बैठा हुआ है, काल के मुख में बैठा हुआ मेंढक फिर भी कोशिश क्या करता है, बाहर के कीड़े मकोड़े पकड़ने की कोशिश करता है। स्वयं काल के मुख में है लेकिन उसकी चेष्टा यह रहती है कि बाहर मैं कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ूं और खा लूं। उसको यह नहीं है कि मैं काल के मुख में हूं। जीवन प्रति क्षण हर क्षण काल के मुख में है लेकिन भूल जाता है, अपने कर्तव्य में नहीं लगता। ऐसमी पहन दासा तू पुसाता रेशमी, घटिया कहीं चादर तेरे के पाने। उस समय सस्ती से सस्ती चादर खरीदने की कोशिश करते हैं कि किसी की मिट्टी में डालना है, मोल भाव वहां भी करते हैं। उस समय कुछ ना किसे ने सार नहीं, उस समय कुछ ना किसे ने सार नहीं जिस घड़ी जम ले लेते हैं। शास्त्रों में भगवान ने श्रीमद तो गोकर्ण के पिता से कहते हैं, मैं शरीर हूं, पहले तो ये अभिमान खत्म कीजिए। चलिए उस समय कुछ ना किसे ने सार नहीं, उस समय कुछ ना किसे ने सार नहीं, उम्र भर रात रखन। चलिए शास्त्रों में पुराणों में श्रीमद भगवत गीता में संसार को द्वंद्वात्मक कहा है। द्वंद्व पाए जाते हैं, जोड़े पाए जाते हैं, हानि के साथ लाभ, उत्थान के साथ पतन। इसी तरह से सारे जोड़े जिना रही करता रहा तो ठगिया तोड़ के तिनके कर आनु जानेंगे, कर्म तेरे सामने त्रियांगे, कर्म तेरे सामने त्रियांगे। उस समय पूछना किसे ने सार नहीं, उस समय पूछना किसे ने सार नहीं जिस गली जमले तेनो आनेंगे, जिन्हा दे पल्ले नहीं तो सा नाम दा, जिनके पास सिमरन का, सत्कर्म का, सद्ज्ञान का, कुछ ऐसे कर्म का जो किसी के भले में आया हो, किसी के सत्कर्म में आया हो, जिन्हा दे पल्ले नहीं तो सा नाम दा, नाम का, सिमरन का, सत्कर्म का, प्याऊ का, कोई ऐसा कर्म जिंदगी का वहां जब संसार की यात्रा पूरी करके जाएंगे तो क्या मिलेगा। कर्म तेरे सामने तेरे आने, अंत वेले सब तेनो छड़ जानगे, अंत वेले सब तेनो छड़ जानगे, कर्म तेरे सामने तेरे आने। जिना दे पल्ले नहीं तो सा नाम दा, रस्ते में बैठ के ही खा, जिन्होंने कीती कमाई नाम ने, परोपकार परोपकार। यह जीवन, ये समय, ये क्षण, जीवन का कोई भी क्षण, कोई ऐसा क्षण जो किसी के काम आ जाए, जिन्होंने कीती कमाई नाम ने, सिमरन सत्कर्म हुक्म से जाना, सागर से बूंद आई सागर में ही समा जाना, तेरे हुक्म से आना, तेरे हुक्म से जाना, सागर से बूंद आई सागर में ही समा जाना। भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाने, भटकेगा वो मुसाफिर निज घर को जो न जाने, पहुंचेगा सीधा मंजिल जो जानता ठिकाना। चलिए सत्कर्मों की पोटली ठीक धारानी भूमो पसवश पुष्टि, सब कुछ वहीं तो वहीं रह जाता है। ये
मानव जीवन बड़े बड़े भार मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के जब पुण्य पुंज इकट्ठे होते हैं तब हमें ये मानव का शरीर मिलता है, मानव शरीर मानव का जीवन मिलता है। और मानव का जीवन मिलने के बाद भी एक अच्छे सत्कर्मी के घर में जन्म हो जाए, एक सुयोग्य व्यक्ति के घर जन्म हो, जब हजारों वर्षों का पुण्य पुंज इकट्ठा होता है तब एक सत्कर्मी के यहाँ जन्म होता है। सत्कर्मी के यहाँ जन्म लेने के बाद फिर हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जाए, अच्छी शिक्षा प्राप्त होने के बाद भगवान स्वरूपवान भी बना दे, रूपवान भी गुणवान भी बना दे, भाग्यवान भी बना दे। हजारों वर्षों के पुण्य पुंज इकट्ठे होने पर उसके बाद फिर हम सत्कर्मी भी हो, किसी का बुरा भी ना मन में आए, ऐसा परमात्मा जीवन में हजारों वर्षों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होते हैं तब ये मानव का शरीर मिलता है। बड़े भाग मानव तन पावा, शुद्ध लोक सद ग्रंथन गावा। और ऊपर से सब कुछ होने के बाद के परमपिता परमात्मा का नाम लेने के लिए अंतःकरण से भावो हो, भावो विद्यते देवा। और परमात्मा कहाँ है, वो भाव में है। तू ही जन्म दे रहा है। सज्जनों, हमें दो बातों को हमेशा याद, प्रभु चरणों में लगाया वो तुमने सारा जीवन वो निभा गए, अपनी हमारी भी को निभाना। आज हम सब लोग स्वर्गीय श्रीमती सीमा खन्ना, पत्नी रमेश कुमार जी, आज जो हमारे बीच नहीं है, उनकी इस पवित्र आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। डॉक्टर श्री सुरेश जी या उनके बच्चे, जब मां शब्द एक ऐसा है संसार में कि मां से बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता, मां शब्द की व्याख्या वात्सल्यता के लिए की जाती है। और जो इस संसार में जीव आता है वो चाहे कितना ही बड़ा विद्वान हो, कितना ही बड़ा ज्ञानी बन जाए, संसार का सर्वपूज्य बन जाए, तो मैं हमारे विद्वानों ने बताया है कि मातृ देव हो, पितृ देव हो, आचार्य देव हो, मां जिन्होंने अपने शीतल आंचल से हमें सींच करके अपनी ममता और स्नेह रूपी छाया दे करके कच रूपी धूप से हमें बचाती है। जय राम श्री राम, जय राम जय जय श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो।
पुण्यात्मा के लिए जो पुण्यात्मा हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच से उस परमात्मा के श्री चरणों में जाकर विलीन हो गई, उस आत्मा की शांति के लिए, क्योंकि जो माँ होती है नहीं दे सकते, इसलिए एक ही बात याद रखना चाहिए जीवन में कि हमारे कोई भी ऐसे कर्म हैं या हमारे भाव से, स्वभाव से, वाणी से, किसी भी तरह हमारे माँ बाप का कभी मन न दुखे, ऐसे हमें आचरण करना चाहिए। हमेशा पूजा पाठ कर लें, आध्यात्मिक बन जाए, सब कुछ कर लें, लेकिन यदि आपके माँ बाप खुश हैं सब बराबर है। संसार के सारे तीर्थ करके आ जाए, यदि आपके माँ बाप दुखी हैं तो आपके वो तीर्थ सब व्यर्थ है। केन माता पिता पूजितो वानवा, केन काशी अयोध्या गतम वानवा। उसको काशी अयोध्या मथुरा अवंतिका कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। संसार में सब तीर्थ है, जाना चाहिए सब कुछ पद पद पर। आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो एक एक कदम में, एक एक कदम में आप एक एक तीर्थ की यात्रा कर लो। इस दुखी घड़ी में आप सब लोग आए हैं परिवार सांत्वना देने, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आप इस दुखी घड़ी में डॉक्टर साहब के साथ आए और कंधा कंधा मिलाकर के सभी माताएं बहनें जितनी बैठी हैं सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। परिवार की ओर से प्रार्थना, आपने इनको डॉक्टर साहब को, छोटी छोटी बच्चियों को जिनकी दादी चली गई, इनकी नानी चली गई, उन बच्चों को आकर के आपने आशीर्वाद दिया और इनके सिर पे हाथ रखा। और सबसे प्रार्थना है कि नीचे भोजन के रूप में प्रसाद तैयार है, तो आप भोजन लेकर के जरूर जाएं। ये परिवार की ओर से प्रार्थना है। करूँगा श्री अनिल जी से, अनिल चोपड़ा जी से, कि वो दो मिनट श्रद्धा मुझे अर्पित करने के लिए श्री अनिल चोपड़ा जी से। जलंधर के जाने माने उद्योगपति और बहुत ही विनम्र, बहुत देर तो अन्ना परिवार के नाल साडा साथ रहा है। सेंट सोल्जर परिवार के प्रमुख सदस्य ने काफी देर तो मैं देखता सीगा कि 10-15 साल तो अन्ना साहब ने बहुत सेवा की। जदों भी उन्होंने बीमार होना इन्होंने घर जाके सोसाइटी के पिछों भी पहला जाके कहना कि तुम दवाई देनी है, इन्नी देर इन्ना समा लगा के
अपना इन्हों का जो फर्ज से इन्होंने पूरा किया। सो मैं अपने वालों सेंट जोसेफ ग्रुप वालों खन्ना साहब को बहुत बहुत सतवाना दिना और इन्हों विश्वास करना कि सारा ग्रुप थोड़े नाल है मुश्किल की घड़ी के भी और महाराज अगर प्रार्थना करना कि महाराज उन्होंने ये दुख झेलने की शक्ति बख्शे और भैन जी की आत्मा भगवान अपने चरणों के जय हिंद जय आदरणीय पंडित जी जय श्री राम। मैं खन्ना साहब की फैमिली की तरफ से डॉक्टर समेश जी मोगा से जो आए हैं इनके बेटा इनके जितने भी डॉक्टर्स वहाँ से आए हैं और सेंट सोल्जर के जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल्स और सारा स्टाफ इनका और सभी परिवार का जो हमारे रिलेटिव जितने भी दूर दूर से आए हैं मैं परिवार की तरफ से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खाना और चाय नीचे है जिसने नहीं खाया प्लीज खा के लें। आगे मैं पंडित जी को बोल दूँ सबको लिखी लड़दा सिखी
शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर है। जिंदगी दे विच हर चीज तैनू बार बार मिल जाए। मनुखा जीवन ना बार बार मिले इतना किसी को मिल जाए। इक्कीवें नरक दे विचों संसार दे विच आन के तेरा ए जन्म मनुखा जीवन। अज कथा का प्रसंग जन्म नुरू कर गर्भ पुराण के शब्द आता है गर्भ रोग पुराण के शमशान माता की उस काली कोठरी के जिस वक्त जीव है परमात्मा ने उसको पूरा ज्ञान दिया। प्रभु इन सजना वास्ते इसके धारा वास्ते चंगे मारे कर्म कर्म कीते दुख में कल्याण पाना अज मेरा कोई सहारा नहीं अज मेरा कोई साथी नहीं मैं की करा। जिस परमात्मा ने उसको इन्ना ज्ञान दिता है वो ज्ञान के अंतकार कड़ के संसार के जिस वक्त बालक आन के जन्म लेता है कवि ये भी गल करने बालक के जन्म लेता है तो रोंदा नहीं रोंदा इस वास्ते है कि जिस मालक ने मैनू इन्ना ज्ञान दिता से वो ज्ञान कितने गया ज्ञान मेरा समाप्त हो गया। अगर बालक नहीं रोंदा तो फिर की कहने कहने की बात रोंदा उसका प्रमाण यही है आज मैं अंत काल के विच जकड़िया गया प्रभु तू मैनु कई मूह माया के जंजाल के विच फसा दिता दुखी दे कोई धन नहीं कहना हे प्रभु हे ते मालिक मैनु अगर इन्हां दुखां तों छुटकारा दिला देगा ना ते मैं तेरे चरणा का सिमरन करा मैं तुम्हारी स्तुति करा मैं अपनी जीव के लिए प्रभु के चरणा में लगा मैं चिंता तो परे हट जाता गुरबाणी के बोल शब्द पढ़ने शाता साहब चिंता तां की कीजिए जो अन्न होनी होए इन मार्ग संसार में नानक तेरे को किसकी ना है इतनी गलत कहने जन्म के नाल कदे बंदे मृत्यु नहीं हुई है मृत्यु के नाल बंदे का जन्म होया है कि गुरबाणी में शब्द लिखा है कि मन लखावे मंगल निहार पहले बंदे मरना तो सीख आज सारे लोग मरना भुलिया हो असि अपने आप जीवन कहने साडा जीवन का प्रमाण की है साडे जीवन का लक्ष्य की है कभी असि अज तक प्राप्त किया है मारे कहते नहीं तेनों की पता उस मां की गर्भ दे मां का निवार किदा होएगा सुचिंतन कर चिंता तेन दुख है समाप्त शमशान भूमि जाने हैं मारा करना करो असी इतने एक दिन आना है किन्नी देर का ज्ञान होता है चंद खड़े पास अज का संस्कार भी 5 मिनट के रवि जी कर देंगे शास्त्र कहता है 45 मिनट लगते हैं जब तक सिर का पटाका ना मोड़ जाए तब तक संस्कार पूरा होनिया नहीं करता पर टाइम छोटी लगाओ छोटी लगाता कि उत्पन्न हर चीज का प्रमाण अगे की होंदा सी घर में जुड़ गया जी उन्ने मरना है गौ का गोबर लाओ पृथ्वी नु लेप करो प्राणी ने उपर लटा दियो बेटा सज्जा गोटा दवे गंगा जल मुख मुख पावे गीता का थाल मंगाए सुख मणि साहब के शब्द दीपक लखावे के अंत माती
सुंदर शब्दावली महत्वता
क्या तू राम जी नहीं पाया, दुख राया नाल नहीं पाया, धर्म राज ईश्वर नहीं पाया? मारे कहते हैं कि जिंदगी की घड़ी याद रखना, संसार दुखों का कारण है। गुरबाणी में जिस शब्द लिखे है कि नाने के दुखिया सब संसार। ओम प्रकाश की सुनि कौन है? किसे कोई ना कोई दुख लग गया, दी मां है भाई ना तब अमित मान सम्मान, कोई ना कोई चिंता ऐसी शरीर के बीच लगी है जरा कि निदान का रास्ता एक तय कर दिए। आज कहने हैं शारदा परिवार के सर्वस्त बुजुर्ग बैठे जी मिलता है, आज शारदा परिवार कालिया परिवार मान सकते बिता था ओनी गए ओना ने अंदरों आत्मा बात करी गई वो तक बातें सुनते थे। पंजाबी का शब्द है ना कि सोया और मोया उनके बीच अंतर की है, वो अंतर ना नहीं गर्भ प्राण के भी लिखे है सोए हुए को जगाओगे या जाग जाएगा, जो अन सोए को जगाओगे क्या कभी जाग जाएगा, वो तब पहले कभी जाग जाएगा। मारे अंधे को दिखाओ दर्पण, उसे क्या मालूम कि मुझे शीशा दिखा रही है या नहीं दिखा रहा। इसी तरह से भगवान कहते हैं जब तक चौकड़ी लगा के अपनी अंतर आत्मा गिटे उठा के दसवें द्वार के लिए ले जाएगा तेन परमात्मा का कभी दीदार नहीं हो। दसवां द्वार की है साधे वस्त्र की स्तुति दसवीं द्वार के उठे तुम्हारे श्वास जा ही नहीं सकते क्योंकि रस्ते के नौ शैतान कहते हैं। शैतान के काम क्रोध मोह लोह अहंकार विषय विकार इच्छा द्वेष। तुसी दसो सात सौ बटे शत्रु के लिए साथी है शत्रु असी चल आ रहे हैं मेरा शत्रु बन गया सीतापते नमः
चले गए संसार से। परमात्मा प्रभु अच्छाइया यहां भी इस सिलसिला में मैं आपको बताया, एक जगह 95,58,85,000 बस 116 बस हो गया है मानव की उत्पत्ति का। उस समय से ये आवागमन का सिलसिला चल रहा है। उनको सभी बेटों को पोतों को पोतों को पोतियों को इतना चार पीढ़ियां देख करके वो गए। अभी सिर्फ बाबा सोनल मेरे के समय लगने में गया तो बैठे थे मिल रहे थे सबसे, लेकिन स्वास्थ्य की बोली
सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो ले कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, शोर मचाओ गली गली। और मेरिया माता भैणा बजुर्ग ते भरा, अज असी श्री लालचंद शारदा जी की श्रद्धांजलि सभा दे विच कथित रहे हैं। और जो इन्होंने अपने परिवार को संस्कार दिते हुए है, उस फुलवाड़े की अज महक नज़र आ रही है। समाज का हर वर्ग, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक इस सभा दे कथित हुए है। तो इस परिवार के नाल इस परिवार को जो संस्कार मिले हैं, अपने बजुर्गों को मिले हुए हैं। और मैं हम राधे श्याम पंडित जी को कहूँगा कि आगे मंच से आन और अपने दो शब्द रखन। पंडित राधे श्याम जी, तुम जहाँ चाहो उधर जाऊँगा। आज तो कुछ दिन पहला साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्री लालचंद जी शारदा सानू सलीबी विछोड़ा दे गए। जिंदगी और मौत जिहड़ी है ये प्रभु दे हाथ विच है। हमने पंडित जी ने गरोड़ा का भोग पाया दसिया उन्हें, और महात्मा गंगादास भी दस रहे थे जिसका जन्म होया उसकी मौत एक दिन जरूर होनी है, वो तो जरूर जाएगा। साढ़िया संत महात्मा ने, पुराने ऋषिया मुनिया ने, तपस्विया ने, गुरुआ ने, पीर पैगंबर ने बड़ी तपस्या की और कोशिश की कि मौत का इलाज लभ लेगी, पर मौत का इलाज उन्होंने मिलया नहीं और मिलूगा भी नहीं। ये सच्चाई है, जिहड़ा आदमी आया उन्हें एक दिन जाना। इन्हों का जाना बहुत दुखदाई है। परिवार चो कोई वड्डा जावे छोटा जावे, जिस परिवार चो आदमी जाता उन्होंने घाटा बड़ा होंगे। एक बजुर्ग का चले जाना उन्होंने जिंदगी का पूरा तजर्बा होंगे और घाटा जो हमेशा महसूस होंगे रहता। पर उन्होंने संस्कार अपने परिवार को बहुत अच्छे दते कि तुम सारे जानते हो एडा वड्डा इकट्ठ, हले भी दूर तक लाइन लगी हुई ने इस परिवार को, और राजनीतिक तौर पर, समाजिक तौर पर और धार्मिक तौर पर यह परिवार एक मनिया हुआ परिवार है, नामी परिवार है जलंधर का। और इन्होंने बजुर्गों की सेवा भी बड़ी की थी। सारे जिंद उत्थे डीएमसी रहे ने, इन्नी सेवा अजक के समय च जो समा हूँ कलयुग का चल रहा है कोई परवाह नहीं करता बजुर्गों की, पर इन्होंने पूर्ण उन्हों की सेवा की और शीस ले उन्हों तो। शास्त्रां विच आता है मात पिता के चरण छूए जो चार धाम तीरथ फल पावे, वो आशीष वह दिल से देवे भगवान भी उसे टाल ना पावे। ये शेखूपुर कपूरथला वालों ब्राह्मण सभा शेखूपुर कपूरथला, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट भारतीय जनता पार्टी श्याम सुंदर जी अग्रवाल कपूरथले तो, नायब सैनी जी कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा वो भी शोक प्रस्ताव भेज रहे हैं, सैकटरी मार्केट कमेटी नारायणगढ़ अंबाला। इन सारे ने इस परिवार के नाल दुख साझा किया है, उन्होंने भी बहुत धनवादी हाँ। मैं सब तो पहला धनवादी हाँ जिन्हें स्टेज सैकटरी मैं टाइम दिता, थोड़ी साहब की बहुत मेहरबानी। जय श्री राम। माई खोसला जी पाशद, श्री ज्ञान चंद सोढी जी, निर्मल सिंह निम्मा जी, सलील बारी जी, बबी चड्डा जी, भैन रीटा शर्मा जी, अवतार सिंह जी, और साढ़े बच्च टांडा रोड गौशाला तो इंडस्ट्रियल शहरा कमेटी, नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी, उन्होंने प्रधान सुखविंदर कालिया जी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी तो सरदार गुरशरण सिंह जी, ओम प्रकाश जी, मनदीप नंदा जी, शिव शंकर मंदिर श्रीनगर तो सुदेश अग्निहोत्री जी, राजेश अरोड़ा राजू जी, दादा कलोनी सुधार सभा तो हरभजन सिंह सैनी जी, श्री प्राणनाथ भला जी, कोट बाबा दीप सिंह नगर गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी तो जी, गुर गोबिंद नगर गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी, ललित गुप्ता जी, एक्स कौंसलर कुछन कोहली जी, जतेंद्र चोपड़ा जी पंजाब केसरी तो, हरजीत सिंह बार जी, एस एस बिल्ला, निर्मल सिंह जी,
ਵਿਜੇ ਕੇ ਕੁਮਾਰ ਐਕਸ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਗ ਕੋਕਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਮੰਦਿਰ ਮਾਤਾ ਭਦਰਕਾਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਮਾਨਵ ਪੀਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਗਦੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਮਹਾਵੀਰ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਰਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਬਹਿਰਾਂਗ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਥਾਪਰ ਰਾਮ ਕੀਤੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਵਨਾ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਲਕਸ਼ਮੀਪੁਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਐਰਨੈਟ ਸਲੀਲ ਮਰਚੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਸਟਰ ਕੇ ਐਸ ਵਿਜੀ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਮਰੀਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਬਿੱਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿੱਧ ਬਾਬਾ ਸੋਡਲ ਮੰਦਿਰ ਤਲਾਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਮੇਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਹਾਸਚਿਵ ਰਵੀ ਮਰਵਾਹ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਵਿਨੈ ਜੰਦਰੀ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਰਵਾਕਰ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਜੰਦਰੀ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਨਗਰ ਪੈਥਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਊ ਨਵਯੁਵਕ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਐਸ ਆਰ ਜੱਗੀ ਜੀ ਕੇ ਕੇ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਸਮਸਤ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਮੰਦਿਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਰਸਮ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਬਤਾਓ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਆਮ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਉਂਦਾ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਕਿਊਮ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਹੈ ਪਨਾਹ ਪੂਰੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਔਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬੀਜਦਾ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਉਹ ਹੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੱਕ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਭਾਵਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਹਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਹਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਪਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਘਾਟ ਪਈ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟ ਪਈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਪੋਤਿਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਦੋਹਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਲ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਜ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨੀ ਬਣਾਈ ਪੋਤੇ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਅਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਭਾਈ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਮਹਾਂਭਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨੇ ਦਾ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਾਢ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ, ਉਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸ ਬਿਰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਸਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੋਬਲ ਸੋਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਢ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਢ ਪਈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਾਢ ਪਈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਧਰ ਦੀਪਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਢ ਪਈ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਇਆ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਉੱਠ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਬਾਬਾ ਹੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਮਹਾਂਭਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਂਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਵਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਭਾਣ ਬਲਦ ਦਾ ਬਾਹਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਲੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵੰਡਿਆ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਸ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਹਾਂਭਾਈ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਂਭਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਪਾਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਦਰ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਬੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਸਮੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਮ।